चेटीखेड़ा बांध का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा। विजयपुर में 943.63 लाख की नल जल योजना का भूमि पूजन, 79.33 लाख के कार्यों का भूमि पूजन व 64.33 लाख के कार्यों का लोकार्पण। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने विजयपुर स्थित प्रहलादपुरा स्कूल प्रांगण में आयोजित विकास यात्रा कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा, शिवपुर जिले में सिंचाई की कई परियोजनाओं की शुरुआत की, चेटीखेड़ा बांध का कार्य भी शुरू कराया गया। 539 करोड़ लागत की इस योजना में 15,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिसका लाभ क्षेत्रीय किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही पेयजल सुविधा का लाभ भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, प्रयास किए जा रहे हैं जल्द ही बांध का काम शुरू हो और पूर्ण होकर लोगों को लाभ मिले। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में लोगों को बताया कि 5 मार्च से शुरू हो रही इस योजना का अधिक से अधिक संख्या में बहनों को लाभ दिलाया जाए। इस अवसर पर जल जीवन मिशन योजना के तहत 943.63 लाख की लागत से स्थापित होने वाली नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया तथा 64.33 लाख की लागत के विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया एवं 89.33 लाख लागत के विकास निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। तो मैंने बहुत बारीकी से यहाँ की गरीबी को भी देखा था, शिक्षा को भी देखा था और अधोसंरचना तो नाम मात्र के लिए थी नहीं। पीने के लिए नल और हैंडपंप मिल जाएगा ये लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। तो बेबरा जी इस बात के साक्षी है कि उस जमाने में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने का काम सबसे ज्यादा प्रदेश में किसी जिले में हुआ तो श्योपुर जिले में हुआ, और किसी तहसील में हुआ तो विजयपुर तहसील में हुआ। मुझे ध्यान है उस दौरान पीने के पानी का जो प्रॉब्लम था तो हम लोगों ने सबसे पहला एक ट्यूबवेल खुदा कर श्योपुर के पास कलमी गांव है वहां पर स्वच्छ लोगों को पानी मिल जाए, वो पानी ठीक से पी सके, उसका उपयोग कर सके, ये शुरुआत की थी। तो एक समय था जब निश्चित रूप से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज आपको पीने के पानी का संकट नहीं, सब जगह स्वच्छ पानी की उपलब्धता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से अब हर गांव में हर घर में नल लगे और नल से टोटी से पानी मिले, इसके लिए योजना बना दी है और उसका काम गांव-गांव में चल रहा है। जैसे गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़कें बन गई, वैसे ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में पीने के पानी की योजना के माध्यम से घर घर में जल पहुंचाने का काम निश्चित रूप से होगा। सामान्य तौर पर हम सब लोग जब बातचीत करते हैं तो अपनी समस्या के बारे में ही बातचीत करते हैं, लेकिन मैं इस मान्यता का हूं कि अगर आप सबने मुझे अपना सांसद बनाया है और मैंने टेट्रा से लेकर अटार घाट से लेकर धोबनी तक अगर सड़क को मंजूर करा दिया तो ये विजयपुर की जनता पर एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था कि आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आपको ऐसी एक नहीं अनेक सड़कें उपलब्ध कराऊं, और उस दिशा में निश्चित रूप से मैं हमेशा काम करता रहता हूं। और मुझे संस्कार पार्टी ने ऐसा दिया है कि बहुत ज्यादा श्रेय की प्रतिस्पर्धा में मैं दौड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात आप सब लोगों को जरूर कहना चाहता हूं, जो मौलिक सुविधाएं हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी दोनों पूरी तन्मयता के साथ आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। और आप सब इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो विकास नहीं होगा, ये आप सब लोग भली प्रकार से जानते हैं। और इसलिए
जो विकास का काम है वो तो निरंतर होते ही रहेगा, और जब हम जैसे लोग आपके प्रतिनिधि हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, आपका वकालतनामा बहुत मजबूती के साथ लगा रहेगा और कभी भी क्षेत्र के साथ पक्षपात और अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा हम अपने से ऊपर उठकर भी देखें कि भारत की सरकार देश को आगे ले जाने के लिए क्या कर रही है। देश के गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए उसके लिए क्या किया जा रहा है, देश के आम आदमी की ताकत बढ़े उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो आप सबको ध्यान में आएगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो वो 10 साल ऐसे थे जब विकास तो होता नहीं था, निर्णय होता नहीं था, सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते थे। पूरे 10 साल कोयला घोटाला, 2G